हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एमडीसी लर्निंग. सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड आवर टुडेस टॉपिक इज रिडम्पशन ऑफ पीएससी मींस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. वी ऑलरेडी सॉल्व टू क्वेश्चंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स. नाउ हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन व्हिच इज लिटिल बिट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. ठीक है, थोड़ा सा है ये कॉम्बिनेशन ऑफ दो चीजों के साथ बना हुआ है. सो फर्स्ट लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, देन वी विल मूव विद द सॉल्यूशन, देन वी विल ड्राफ्ट द सॉल्यूशन टुगेदर. नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 3. एसएफ लिमिटेड हैज 2000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच. ठीक है, अब ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का नाम क्या है? 12% नाम है. ठीक है, सो एसएफ लिमिटेड इज हैविंग 2000 12% redeemable preference shares, 100 rupees का एक है, payable at a premium of 5%. ठीक है, 5% के प्रीमियम पे हम इसको रीपेमेंट कर रहे हैं, 5% के प्रीमियम पे हम इसको रीपेड कर रहे हैं. इट इज डिसाइडेड दैट होल अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन इज आउट ऑफ अ फ्रेश इश्यू. करेक्ट, क्या बोला है? होल अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन इज आउट ऑफ अ फ्रेश इश्यू, यानी जितने का आपको रिडम्पशन करना है उतने का फ्रेश इश्यू करना पड़ेगा. क्लियर, उसके बाद और फ्रेश इश्यू होल अमाउंट इज ड्यू फॉर द रिडम्पशन इज आउट ऑफ अ फ्रेश इश्यू ऑफ 20,000 इक्विटी ऑफ 10 ईच. करेक्ट, 20,000 इक्विटी 10 रुपए का एक. द कंपनी हैज अ सफिशियंट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एसएफ लिमिटेड. सो अपने को क्या बोल दिया है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस इज प्रेजेंट. ठीक है, बट बिफोर दैट ये रिडम्पशन जो है, ये रिडम्पशन किस पे होने वाला है? 5% के प्रीमियम पे होगा, यानी 100 का 105 में. ठीक है, फिर दूसरा और कौन सा बोला है कि कंपनी के पास है ना यहाँ पे सफिशियंट बैलेंस इज प्रेजेंट. कंपनी के पास सफिशियंट बैलेंस इज प्रेजेंट. अब सफिशियंट बैलेंस इज प्रेजेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रीमियम पे जो भी आप इश्यू करोगे तो प्रीमियम के अमाउंट को सेटल करने के लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट का इस्तेमाल कर लेना. ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे सीआरआर क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो माय आंसर इज नो. व्हाई नो? बिकॉज द होल रिडम्पशन इज डन थ्रू दी फ्रेश इशू. आपको रिडम्पशन करने के लिए जो भी रुपया चाहिए, दैट रुपया इज कम्स फ्रॉम योर फ्रेश इशू ऑफ 20,000 इक्विटी ऑफ 10 ईच. क्लियर, सो लेट अस मेक द सॉल्यूशन फर्स्ट. पहला सॉल्यूशन बनाते हैं. सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? फ्रेश इशू. सो फ्रेश इशू किस चीज का करोगे? इक्विटी. कितना इक्विटी हम लेंगे? 20,000 इक्विटी ऑफ 10 ईच. सो इक्विटी होगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 ईच, तो ये हो जाएगा 2 लाख. 2 लाख रुपए मिलेंगे. हाँ, एक जीरो ही तो ऐड करना है. इट्स नॉट 22, इट्स 2. ठीक है, दूसरा क्या काम करना है हमें? दूसरा हमको यहाँ पे प्रीमियम सेटल करना है. ठीक है, प्रीमियम. सो हियर वी आर राइटिंग रिडम्पशन ऑन प्रीमियम ऑफ 5%. ठीक है, रिडम्पशन इज अ प्रीमियम ऑफ 5%, दैट इज कितना हो जाएगा? 100 प्लस 5%. ठीक है, 100 रुपए पे 5%, तो 5 रुपया हो गया. तो 105 रुपए पे हमको रिडम्पशन करना है, 105 रुपया पर शेयर देना है. ठीक है, नाउ दूसरा यहाँ पे सीआरआर क्रिएट करना है क्या? नहीं क्रिएट करना है यहाँ पे सीआरआर. सो हियर वी आर राइटिंग क्लियरली, बिकॉज द रिडम्पशन इज मेड फुल्ली आउट ऑफ फ्रेश इश्यू, सो देयर इज नो नीड टू क्रिएट सीआरआर. नो नीड टू क्रिएट सीआरआर अकाउंट एज redemption is done fully out of fresh issue. ठीक है,
यहाँ पे अपने को फुल्ली आउट ऑफ फ्रेश इशू के साथ हम जा रहे हैं, ठीक है, पूरे के फ्रेश इशू के साथ। यानी आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ फ्रेश इशू करोगे, जो भी पैसे आएंगे उतना का ही फ्रेश इशू करोगे जितने पैसों की आपको जरूरत है, ठीक है, उतने का ही फ्रेश इशू करेंगे। और इमीडिएट हम क्या करेंगे, फ्रेश इशू करके रिडम्पशन कर देंगे, ठीक है। जब भी आप जर्नल एंट्री शुरू करो, और अगर क्वेश्चन में आपके पास जर्नल एंट्री का फॉर्मेट पहले बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम सबसे पहले इन द बुक शॉप, करेक्ट, सो हियर इट इज इन द बुक्स ऑफ एसएफ लिमिटेड, ठीक है, ये हो गया इन द बुक्स ऑफ एसएफ लिमिटेड। गोइंग टू पास द जर्नल एंट्रीज, ये सेंटर में आना चाहिए, ठीक है, और ये रहा आपका फॉर्मेट। द नीड ऑफ डेट, नो बच्चों, यहाँ पे भी सीरियल नंबर, बिकॉज द डेट इज नॉट गिवन। अगर किसी क्वेश्चन में डेट आता है देन ओनली यू हैव टू राइट द डेट, अदरवाइज आपको डेट लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज योर फर्स्ट एंट्री, ठीक है, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री, अगर हमारे पास क्वेश्चन में फ्रेश इशू है तो हम सबसे पहले किसकी एंट्री करेंगे, फ्रेश इशू की करेंगे, क्योंकि पहले आप रिडम्पशन नहीं कर सकते। फ्रेश इशू करोगे, पैसा आएगा, तभी तो आप रिडम्पशन करोगे ना। तो फ्रेश इशू किसका करना है, इक्विटी, 10 रुपए की एक इक्विटी है, पार पे है, प्रीमियम पे है या डिस्काउंट है, डिस्काउंट पे है, तो ये फ्रेश इशू हमारा पार पे है, पार पे है तो पैसा आ जाएगा, ठीक है। एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट, इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बीइंग लिखेंगे, बीइंग फ्रेश इशू, व्हाट वी आर राइटिंग एज अ बीइंग, बीइंग में आपको लिखना पड़ेगा बीइंग 20,000 इक्विटी इशूड, या फिर बीइंग फ्रेश इश्यू मेड फॉर रिडम्पशन, बीइंग फ्रेश इश्यू मेड फॉर रिडम्पशन। वंस अगेन यू हैव टू राइट द कैलकुलेशन, 20,000 इक्विटी मांग रहे हो, 20,000 इक्विटी के पीछे 10 रुपया एक इक्विटी का चाहिए, ठीक है, वो हिसाब से 2 लाख रुपीज विल बी कलेक्टेड, ठीक है, 2 लाख रुपया। अब देर इज नो एप्लीकेशन मनी, वाह, यहाँ पे अपने को एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसे करके पैसे नहीं आ रहे। पैसे कैसे आ रहे हैं, पैसे एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट अस राइट द नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री कौन सी, यस बच्चों, एक बार यहाँ पर रिडम फ्रेश इशू हो गया तो फ्रेश इशू के बाद डायरेक्टली वी मूव टू द रिडम्पशन। तो हम लिखने वाले हैं 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्या ले रहे हो, प्रीमियम भी ले रहे हो ना, सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, क्लियर। चलो लिखते हैं बीइंग, यहाँ पे आ जाएगा आपको बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, करेक्ट। तो हम देने वाले हैं टोटल, सेकंड, वी आर पेइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 2 लाख, ठीक है, प्रीमियम कितना दोगे, 5 रुपीज मल्टीप्लाई बाय ऑल 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स, सो इट्स 10,000
टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, होल्डर्स को टोटल मिलेगा 2,10,000, करेक्ट। सो यहाँ पे आ जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 2,10,000। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 3। हियर यू हैव टू एडजस्ट द प्रीमियम का वैल्यू, सो यू आर राइटिंग एज प्रेफरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट करेंगे हम प्रीमियम का वैल्यू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट करेंगे प्रीमियम का वैल्यू, तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। The amount which we have to adjust is, let me write the full so that you can understand better. Premium on redemption of, ठीक है, premium on redemption of preferential capital account. How much is the premium? It's only 10,000, and that 10,000 rupees will be adjusted through the profit and loss account. That 10,000 rupees will be adjusted through the प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री एंड द लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री कौन सी वाली, लास्ट एंट्री होगी अपनी एडजस्टमेंट, क्या एडजस्ट करना है, नहीं पेमेंट, क्या पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, वैल्यू पे करनी पड़े, सो योर 12% प्रेफरेंस, 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, क्लियर। हाउ मच यू आर पेइंग, 2,10,000 का रिडम्पशन किया था तो पेमेंट भी 2,10,000 की ही करनी पड़ेगी, सो 2,10,000 हियर, 2,10,000 हियर, ठीक है। नरेशन इज बीइंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बीइंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है, यहाँ पे आपने ये वैल्यू पे कर दी, सो बीइंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन, एक बार समझते हैं क्वेश्चन में क्या है, एक बार और देखते हैं, ठीक है। देखो SF लिमिटेड 2000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपए का एक रिडेम्पशन करना है, 5 रुपया प्रीमियम पे, 5 रुपया प्रीमियम यानी 100 के बदले 105 रुपए देने हैं। इट इज डिसाइडेड दैट द होल अमाउंट फॉर द रिडेम्पशन इज आउट ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ 20,000 इक्विटी ऑफ 10 ईच, 20,000 इक्विटी 10 रुपए का एक इशू करके हमको रिडेम्पशन करना है 2,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का। तो रिडम्पशन के लिए टोटल वैल्यू कितनी चाहिए, सो 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, 2,00,000 रुपए। आप फ्रेश इशू करके कितने रुपए लेके आओगे, 20,000 इंटू 10, 2,00,000 रुपए। सो ये जो 2,00,000 फ्रेश इशू से मांगोगे, इसी 2,00,000 रुपए को एज अ रिडम्पशन यूज करना है। और जब कभी भी रिडम्पशन इज डन फुल्ली आउट ऑफ फ्रेश इशू, एज इन वेन रिडम्पशन इज डन फुल्ली आउट ऑफ फ्रेश इशू, दैट टाइम देर इज नो नीड टू क्रिएट अ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, देर इज नो नीड टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ CRR अकाउंट, कोई भी CRR अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव टू पास द एंट्रीज, लाइक सबसे पहले बैंक डेबिट टू इक्विटी इशू और कैपिटल, हमने क्या किया, फ्रेश इशू कर दिया, फ्रेश इशू से 2,00,000 रुपीज आ गए। आफ्टर दैट वी पास द एंट्री फॉर रिडम्पशन, दैट इज 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस श्योर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आपके पास टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, तो ये रह गया मेरा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू 2,00,000, प्रीमियम उसका 10,000, टोटल 2,10,000। आफ्टर दैट वी आर एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ प्रीमियम, वो 10,000 रुपए थ्रू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज द क्वेश्चन सेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज हैविंग सफिशियंट बैलेंस देयर, ठीक है, इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो वी आर एडजस्टिंग फ्रॉम दैट अकाउंट ओनली। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू पे टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दैट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्लियर।